मनोजवं मारुतु दुर्लभेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए जनवरी का पहला भाग क्या कुछ लेके आया है। देखिए, नया वर्ष आरंभ हो चुका है और नए वर्ष के अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन बड़ा विचित्र प्रकार से हो रहा है। इस वर्ष की संख्या यदि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखी जाए तो 8 आती है और मेष राशि वालों के लिए ये नंबर विशेष तौर पर बहुत सावधानी वाला है, क्योंकि जो 8 नंबर है वो शनि का नंबर है और मेष राशि जो है वो मंगल प्रधान राशि है। तो ये मेष राशि वालों के लिए इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके साथ कई प्रकार के क्लैश होने के योग बन सकते हैं इस वर्ष में, क्योंकि मंगल शनि का किस प्रकार संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता। न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से साफ दिखाई देता है कि आपको शांत रहकर अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बड़ी मुश्किल से सुंदर समय आया है आपके लिए, लेकिन सुंदर समय को यदि हम अननेसेसरी के क्लैशों में बर्बाद कर देंगे तो सब प्रकार से आपके लिए कई समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन जाएंगे। तो आपको शांति के साथ, हमारा जो सुझाव आपके लिए है कि मेष राशि वालों के लिए, कि ऐसे में ना कि अपने शुभ को, जो कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है कि ये मेष जो राशि वालों के लिए ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 नंबर शनि का नंबर वहाँ आपके लिए जो क्लैश है, तो उस बात को समझाते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने को शांत रखें। बृहस्पति आपका लग्न में चल रहा है, शनि महाराज आपके लग्न को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि अननेसेसरी कई बातों में जिद अड़ सकते हैं। चुपचाप, अरे भाई, अपना काम निकलवाओ, आगे चलने का प्रयास करो। यदि ये कूटनीति का इस्तेमाल कर लिया तो ये वर्ष आपके नाम हो सकता है। तो आनंद भाव से आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस वर्ष बहुत आपके लिए धन संपदा सम्मान पद सब प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। खैर, वो तो हमने आपको बताया ये कई वीडियोज़ के माध्यम से। अब नया वर्ष का आरंभ हो रहा है तो जनवरी का विशेष तौर पर पहला भाग आपके लिए कैसा रहेगा वो भी आपको अच्छे से समझ लेने का प्रयास करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जनवरी के पहले भाग के हिसाब से, तो जनवरी के पहला भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगा योग लेकर आया है। ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि में चल रहे बुध विशेष तौर पर मार्गी हो रहे हैं और बुध का मार्गी होना आपके लिए बड़ा अनुसरण करनीय रहेगा, क्योंकि बुध मार्गी होकर आगे चलेंगे और आपके भाग्य में पहुँच जाएंगे और कई प्रकार के भाग्य से लाभ देने के योग बना सकते हैं। जो शेयर मार्केट में इत्यादि काम कर रहे हैं तो उनको विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। मेष राशि वालों के संबंध में ये विशेष तौर पर बता रहे हैं कि अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल का टकराव की स्थिति है, तो वो कई प्रकार से आपके लिए, जब तेजी से गाड़ी चल रही होती है ना, तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये बड़ी तेजी से चलता हुआ मार्केट है और बहुत सावधानी के साथ आपको काम करने की जरूरत है। हल्का सा आलस्य कहीं ना कहीं फंसाना दे, इस बात का ध्यान रखते हुए, अच्छा है, समय लाभ का है, बढ़िया है, अच्छे से लाभ होने के योग बनेंगे, लेकिन फिर भी अलर्ट होते हुए काम करने की जरूरत दिखाई देती है। विशेष तौर पर यदि जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तेजी में विशेष तौर पर ग्रहों में तेजी दिखाई देती है और कई प्रकार के दामों में तेजी हो सकती है, गेहूं, चना, घी इत्यादि, तिल इत्यादि, रुई इत्यादि और मिर्ची इत्यादि के जो काम करते हैं उनमें काफ़ी खासे दामों में बढ़ोतरी होने के योग दिखाई देते हैं। चांदी इत्यादि काम करने वालों को सावधान रहना चाहिए, कहीं गिरावट मंदी का असर घटबढ़ होने के योग भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो कुछ ग्रहों का योगा योग है वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। 3 जनवरी को बुधवार है और साथ साथ पौष का महीना चल रहा है, सप्तमी तिथि है, कन्या में चंद्रमा उस दिन रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहते हुए, ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, देखिए सर्दी का मौसम है, ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा नाजुकता दिखाई देती है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो बहुत सुंदर रहेगा। दोपहर को 2:46 से लेकर रात्रि पर्यंत ये सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत सुंदर तरीके से आपके आगे बढ़ने के योग बनाएगा। वहीं 4 जनवरी की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर रहेगा और विशेष तौर पर ग्रहों का योग अयोग कहीं ना कहीं प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल से कम आपके लिए औसत से कम थोड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको अपने आप को प्रोवोक करना पड़ेगा, अच्छे से उद्धृत करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अभी भी क्षीण अवस्था में चल रहे हैं और चंद्रमा के क्षीण अवस्था में चलने के कारण से ये समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकता है। अष्टमी है इस दिन, कोशिश है करें माँ भगवती दुर्गा का सानिध्य लेकर काम करने का प्रयास करें। उस दिन रुक्मणी अष्टमी भी रहेगी और कालाष्टमी भी रहेगी, तो विशेष तौर पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका थोड़ा दुग्धाभिषेक कर लीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसको कर आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा क्षीण है, चंद्रमा
छठे भाव में चलने के कारण से शीर्णावस्था में आ गया है, तो ऐसे में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, थोड़ा शत्रुओं का भी ध्यान रखें। जो कॉम्पिटिटिवनेस है आपके कार्यों में समस्त में, तो सामने वालों के समस्त शत्रुओं का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है, तो ये उपाय कर लीजिए, सब काम ठीक होने के योग बनेंगे। 5 जनवरी की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि है और तुला में चंद्रमा जा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, सुबह 6:46 पर चंद्रमा तुला राशि में चले जाएंगे और उसके साथ साथ प्लूटो ग्रह जिसको यम के रूप में जाना जाता है, हमारे यहाँ यम वरुण इंद्र इत्यादि नए ग्रह नवीन ग्रहों के रूप में जाना जाता है, और प्लूटो की संख्या ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से दी गई है, यम की संख्या दी गई है। और आज की तारीख में जो मॉडर्न साइंस है वो तो प्लूटो को एक तरह से कह चुकी है कि ये डायल्यूट हो चुका है, लेकिन ज्योतिष दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्वपूर्ण योग दिखाई देता है। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से मकर राशि में चलते हुए प्लूटो इस वक्त अस्त स्थिति में जा रहे हैं। ये अस्त स्थिति में जाना प्लूटो का एक बहुत सुंदर है, अच्छा है, और आपके लिए आगे बढ़ने के योग बना सकता है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में बैठा हुआ प्लूटो अपने दुष्प्रभाव को थोड़ा कम करते हुए दिखाएगा, आगे बढ़ने के योग अच्छे बनेंगे। ऐसे में 1 महीने तक करीब करीब 5 फरवरी तक ये अस्त रहने वाले हैं, तो ऐसे में आपको अपने कार्यों में थोड़ी तेजी लाकर बहुत सुंदर तरीके से कई कार्यों में आप संपादन कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे थे, जो अवसर बैठे थे उनका भी सहायता लेने का सुंदर योग बन सकता है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे पॉजिटिव साइंस आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस आने के दिखाई देंगे, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चला गया है, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो ऐसे में गौ पूजा का यदि कार्य कर लें, सुबह सुबह गाय को एक रोटी इत्यादि या चारा इत्यादि खिलाना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। वहीं 6 जनवरी की हम बात करें तो शनिवार का अवसर, दशमी तिथि, और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त कर रहा है, नए संपर्कों को साधने के योग बना रहा है, साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। नया कार्य आरंभ करने के लिए सुबह 7:19 से लेकर करीब करीब 12:15 तक का सुंदर योग रहेगा, उसके बाद भद्रा आ जाएगी, बस उसके बाद भद्रा से आपको बचना पड़ेगा। 12:20 से लेकर रात्रि में 12 तक करीब करीब भद्रा विद्यमान रहेगी, तो भद्रा में शास्त्र कहता है नए कार्यों को संपादित, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने का कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें कष्ट आने के योग बन जाते हैं। शनिवार का दिवस है, अरे हनुमान जी की आराधना करें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, सब शुभ होगा। 7 जनवरी का दिवस रविवार का दिवस है और एकादशी है, और पौष के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के रूप में जाना जाता है। ग्रहों का योग भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध आपके भाग्य में जाकर भाग्य जगाने के रास्ते बना सकते हैं, तो इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार से आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, कई सारी इम्प्रूवमेंट आने के योग बनेंगे, कई सारे चीज़ें। लेकिन चंद्रमा का वृश्चिक राशि में जाना ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी होगा, मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी उदासीनता देने के योग बना सकता है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, चावल का त्याग करें, चावल का दान करें, और चावल ना खाएं इस दिन, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी है, सफला एकादशी है, भगवान विष्णु का स्तवन, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप और साथ साथ भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन, भगवान विष्णु के निमित्त एक काम करना चाहिए, आपको पंचामृत से उनका स्नान कराना चाहिए और पंचामृत को ग्रहण करना चाहिए, आधी व्याधि समस्त प्रकार से दूर होने के योग सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं। 8 जनवरी का ग्रह योग दिखाता है कि उस दिन सोमवार का अवसर और साथ साथ द्वादशी तिथि, ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा एक योग बना रहा है, और विशेष तौर पर बुध का परिवर्तन होकर उदय हो गए हुए बुध का परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भाग्य स्थान में जाने के कारण से बुध आपके लिए कई सारी चीज़ों में आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के योग बना सकता है, तो आपको पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आप यदि हो सके तो गर्म ऊनी वस्त्रों का दान करने का प्रयास करें, ज़रूरतमंद लोगों को दान करेंगे सुंदर रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है उस दिन, सुबह 7:19 से लेकर रात्रि में 9:15 तक के आसपास सुंदर मुहूर्त, नए कार्यों का आरंभ करना हो, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना हो, तो इस दिन इसका लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। वहीं 9 जनवरी की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, ये मंगलवार बहुत खास है, इस दिन भौम प्रदोष का योग बन रहा है, त्रयोदशी का, और सुंदर योग है, शाम के समय त्रयोदशी आने के कारण से सुंदर तरीके से भौम प्रदोष का योग बन गया है। ग्रहों का योगायोग भी आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की स्थिति बनाएगा, और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बुध के साथ साथ चंद्रमा का योग जो बनेगा गोचर में, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाएगा, साथ साथ धन आगमन के सुंदर मार्ग कहीं ना कहीं से प्रशस्त होने के योग बन सकते हैं। ये 2 दिन योग रहेगा, विशेष तौर पर चंद्रमा का ये परिवर्तन शाम को जो होगा, ये नई सूचनाएं, नए महत्वपूर्ण पद देने के योग बना सकता है। ऐसे में कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर, आप इन समय को और सुंदर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस एक बात का और ध्यान रखें, ज्येष्ठ मूल नक्षत्र विद्यमान हो जाएगा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र 2 नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, और
9 और 10 जनवरी को जिन जातकों को जन्म हो उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने देखा है बहुत सारे बच्चों की मूल शांति नहीं हो पाती और बाद में बच्चे कष्ट खाने के योग बनाते हैं, तो आप कोशिशें करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए सुंदर रहेगा, आप सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास करें। और इस स्थिति में हमने विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर तरीके से एक बड़ा सुंदरकांड का पाठ भी रखा हुआ है, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो शाम को करीब करीब आश्रम पर रहता है, 6 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक भंडारा सुंदर व्यवस्था रहती है। आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो विवेकानंद योग आश्रम में विद्यमान है वहाँ पर चोला चढ़ाकर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर कार्य करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 10 जनवरी को बुधवार का अवसर है और उस दिन चतुर्दशी तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके बहुत अनुकूल बना हुआ है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध जो आपके भाग्य में बैठकर हो रहा है ये दिखा रहा है कि बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। कहा गया है ना बुधवार को सुंदर योग बन गया है तो बुद्धि जागृत हो गई है और बुध वहाँ पे चंद्रमा के साथ विद्यमान है तो ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। भाग्य को जगाने का समय दिखाई देता है और सुंदर तरीके से अपने कार्यों को संपादित करने से आपको लाभ मिल सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कार्य गति में चल रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है लेकिन नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन का योग ठीक नहीं, क्योंकि भद्रा विद्यमान हो जाएगी, सुबह 9 बज के विशेष तौर पर केवल 22 मिनट तक रहेगी। तो सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा नए कार्यों को अवॉइड करने का प्रयास करें, 9 बज के 22 मिनट के बाद से भद्रा समाप्त है और फिर देखिए लगिए बहुत सुंदर गजकेसरी योग आपके गोचर में विद्यमान हो गया है, धन आगमन का सुंदर मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो इन सब ग्रहों की गणनाओं को समझते हुए, हमें काल की गणना को समझते हुए अपने कार्यों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हम इसीलिए आपके समक्ष रहते हैं कि जो बुद्धिमानी से इन कार्यों को समझते हुए कार्य कर लेते हैं उनके कल्याण के योग बनते हैं। इसके अलावा भी यदि मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, हर रोज़ हम आपके साथ इन सब प्रोग्राम्स में रहते ही हैं, तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारे नंबर्स चल रहे हैं उन पर अपना मैसेज भेजें, संपर्क साधने का प्रयास करें, आपको रास्ता प्राप्त होगा। धन्यवाद।